नंबर वन दिया गया है वो दिया गया है द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। तो हमें EMF का वैल्यू दिया गया है और वो दिया गया है 12 वोल्ट। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ 0.4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 0.5 ओम। तो फिर आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो हमें पूछा गया है कि उस बैटरी के अंदर से मैक्सिमम करंट कितना दौड़ाया जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास जो रिलेशन आता है टर्मिनल वोल्टेज वो होता है ई माइनस आई इंटू में स्मॉल आर। वी हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ई हमारा EMF है। अब टर्मिनल जो वोल्टेज आता है वो आई इंटू कैपिटल आर के बराबर आता है और कैपिटल आर जो है वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इस वाली इक्वेशन से मैं आई का वैल्यू सोल्व करूँगा और आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ओके, अब मुझे इस करंट का वैल्यू मैक्सिमम बनाना है। अब अगर मुझे करंट का वैल्यू मैक्सिमम बनाना ना तो मुझे न्यूमरेटर में से ना न्यूमरेटर की वैल्यू को मुझे कम से कम करना पड़ेगा और वो कम से कम कब होगा जब मैं इस कैपिटल आर की वैल्यू को ज़ीरो पुट करूँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे जिससे हमारा जो करंट होगा वो मेरा करंट मैक्सिमम बन जाएगा और उसका आंसर आएगा ई डिवाइडेड बाय में स्मॉल आर। ई का वैल्यू दिया गया है 12 वोल्ट अपॉन स्मॉल आर का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 0.4 ओम। इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 × 4, 4 × 3 = 12। तो आंसर आ बेटा मेरे पास 30 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 30 एम्पियर। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैटरी है, द बैटरी ऑफ EMF इज़ 10 वोल्ट। तो किसी बैटरी का जो हमें EMF दिया गया है वो हमें 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज़ कनेक्टेड टू द रजिस्टर। तो वो बैटरी जो है उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि स्मॉल आर है उसकी जो वैल्यू है वो है 3 ओम। उसके अलावा आपको दिया गया है इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर। तो आपको करंट का वैल्यू दिया गया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो आपको कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और उसके अलावा व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज, और आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है बैटरी का। ओके, तो आपको मालूम है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा आता है ई माइनस के आई इंटू में स्मॉल आर। ई का जो वैल्यू आपको दिया गया है वो दिया गया है 10 वोल्ट माइनस आई का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 0.5 एम्पियर और आर जो है वो आपको दिया गया है 3 ओम स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 10 माइनस ये बना 1.5, उसके अलावा जो हमारा इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 8.5 वोल्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन और पार्ट है इसका जिसमें हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे मालूम है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो मेरा आई इंटू आर के बराबर होता है। ये टर्मिनल जो वोल्टेज है वो आई इंटू आर के बराबर है, तो ये बनेगा ई माइनस के आई इंटू में स्मॉल आर। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू जो निकालेंगे, आई की वैल्यू आएगी ई डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ओके, तो हम आर प्लस स्मॉल आर को लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाई में आई और फिर हम लिखेंगे कैपिटल आर को, कैपिटल आर जो बनेगा वो बनेगा ई डिवाइडेड बाई में आई माइनस के स्मॉल आर। अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ई का जो वैल्यू हमें दिया गया है वो दिया गया है 10 वोल्ट, तो हम लोग ई का वैल्यू पुट करेंगे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय में करंट का जो हमें वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आएगा 0.5 एम्पियर माइनस इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 3 ओम। ओके, इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 20 माइनस के 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 17 ओम। अब उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एट द रूम टेम्परेचर, कि हमें रूम टेम्परेचर दिया गया है जिसका वैल्यू है 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो बेसिकली आप इसने आपको एक आर इनिशियल का वैल्यू दिया गया है जिसमें उसकी वैल्यू है 100 ओम और आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फिर इसने पूछा बेटे कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 11 ओम। तो इसने ना जो फाइनल रेजिस्टेंस बना हमारा वो बनता है 117 ओम और हमसे पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू कितना बनने वाला है। ओके, तो और उसके साथ साथ इसने दिया है कि द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द मटेरियल ऑफ रजिस्टर इज, तो आपको बेसिकली इसने अल्फ़ा की वैल्यू देना चाह रहा है और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। गॉट इट। अब आप सबको मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना तो रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा तो आरएफ जो बनता है यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस वो हमारा आता है आर इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू आरआई, आरआई मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, टीएफ फाइनल टेम्परेचर माइनस के टी इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर। तो हमारा काम है कि यहाँ से टीएफ का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना हम लोगों को? टीएफ का हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो जब हम टीएफ का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें टीएफ के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज गिवन है। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे आर एफ का वैल्यू गिवन है, फाइनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, आर इनिशियल गिवन है, आर इनिशियल गिवन है, उसके अलावा हमें अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है, आर इनिशियल गिवन है और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे जब हम लोग इसको, तो टी एफ माइनस जो टी आई आएगा वो बेसिकली आएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय में अल्फ़ा इंटू में आर आई। गॉट इट। तो इन सब की वैल्यूज हम लोगों को पुट करनी है। आर फाइनल जो दिया गया है वो दिया गया 117 होम माइनस आर इनिशियल दिया गया है आपको 100 होम डिवाइडेड बाय में अल्फ़ा का जो वैल्यू दिया गया है, अल्फ़ा का जो वैल्यू दिया गया है वो हमें दिया गया है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के फोर पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू में आर आई का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया 100। तो बेसिकली हमारे पास टी एफ माइनस टी आई का वैल्यू आने वाला है। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ओके, तो टी एफ और टी इनिशियल का वैल्यू कितना है वो है आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी एफ का जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 1000 प्लस में 27 डिग्री। तो 1000 प्लस 27 करेंगे तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाला है। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर का जो वैल्यू आया वो आया 1027 डिग्री सेल्सियस।